हमारी एक व्यूअर ने हमसे प्रश्न पूछा है कि धर्म क्या है और श्री गुरु नानक देव जी इसे किस प्रकार देखते थे। हर एक धर्म आपको जीवन जीने का मार्ग दिखाता है और अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो रिलीजन इज अ सेट ऑफ रूल्स। धर्म की एक साइड आपको कैसे रहना है, कैसा पहनना है और कैसा खाना है और क्या कर्मकांड करना है यह सिखाता है, और दूसरी साइड आपको यह सिखाती है कि परमात्मा को आप कैसे पाओ और होता क्या है। इंसान दूसरी साइड को छोड़कर कि कैसे परमात्मा को पाया जाए, उसका नाम जपा जाए, इस बात पर ज्यादा ध्यान देता है कि कर्मकांड कैसे किए जाएं। संत कबीर हो, चाहे भक्त नामदेव और चाहे श्री गुरु नानक देव जी और अन्य गुरुओं ने कभी भी शरीर को महत्व नहीं दिया। शरीर तो मात्र चोला है और आत्मा ही संपूर्ण सत्य है। इंसान पूरी जिंदगी बाहरी कर्मकांडों में गंवा देता है परंतु आत्मा की शुद्धि के लिए कुछ नहीं करता। गुरु नानक देव जी ने हरिद्वार में पूजा करते पंडित के कर्मकांडों को इसलिए ही रोका था क्योंकि वह जान चुके थे कि पंडित कर्मकांड कर पूजा कर रहा है परंतु इसका दिमाग कहीं और ही है। इसी तरह से एक मौलवी को भी गुरु नानक देव जी ने गुरबानी दी थी क्योंकि वह पढ़ तो नमाज रहा था परंतु उसका मन भी सांसारिक झमेलों में फंसा था। और आज भी हम सभी के साथ यही हो रहा है कि हम जाते तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में हैं, परंतु मन में यह चल रहा होता है कि घर में खाना क्या बना होगा, कल ऑफिस में बहुत काम है, घर की टेंशन्स हैं। इन्हीं कारणों से जब गुरु नानक देव जी ने पहले गुरुद्वारे का निर्माण किया था तो उसमें कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि उस समय तक तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब का आगमन भी नहीं हुआ था। वहाँ सिर्फ संगत आती थी और बैठकर प्रभु का नाम जपती थी। प्रसाद के रूप में लंगर चखा जाता था और गुरुजी सभी को कर्म करने यानी मेहनत करने को कहते थे। गुरु नानक देव जी ने किसी भी तरह के कर्मकांडों में फंसने की जगह परमात्मा से जुड़ने के बस तीन उपाय बताए। कीरत करो यानी ईमानदारी और मेहनत से काम करो, नाम जपो यानी ईश्वर का सिमरन करो और वंड चखो, अपनी कमाई का एक भाग लोगों की भलाई के लिए लगाओ, चाहे वह लंगर के रूप में हो या किसी और रूप में। गुरु नानक देव जी की शिक्षा के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति गुरु जी के इन तीनों हुक्मों का पालन करता है तो उसको परमात्मा संग सांझ बनाने में कोई नहीं रोक सकता। और यही बात अंत में सभी धर्म भी कहते हैं कि परमात्मा से सांझ बनाओ। बस सिर्फ फर्क यह है कि गुरु नानक देव जी ने परमात्मा को पाने का रास्ता बहुत आसानी से इन तीन शब्दों में दे दिया। इसलिए या तो आप अपना पूरा जीवन ग्रंथों कर्म धर्म समझने के लिए निकाल दें या फिर गुरु जी की इन तीन शिक्षाओं पर अमल कर अपना जीवन सफल बनाएं। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। गुरबानी कहती है, हे मनुष्य, जो कुछ भी तू आँखों से देखता है वह नश्वर है, माया है, पर दुनिया माया के लालच में परमात्मा को भूली हुई है, हराम का खाती है यानी पराया हक खाती है। हे भाई, परमात्मा ने चेतन ज्योति और अचेतन मिट्टी मिलाकर यह संसार यह जहाँ बनाया है, आसमान धरती वृक्ष पानी आदि यह सभी कुछ तो परमात्मा की रचना है। हे भाई, बुरे मनुष्य भूत प्रेत और पशु की तरह हराम मार के हराम की खाते हैं यानी पराया हक खाते हैं। ऐसे व्यक्ति के दिल पर माया का पूरी तरह कब्जा रहता है और फिर परमात्मा उसे सजा देता है। हे भाई, जब मौत का फरिश्ता आकर भान लेता है तब पालने वाले पिता भाई दरबार जायदाद घर यह सब जगत से विदा होने के वक्त यानी मृत्यु के पश्चात क्या काम आएंगे। हे भाई, पवित्र परमात्मा तेरे दिल का सारा हाल जानते हैं। हे नानक, संत जनों की संगति में रहकर परमात्मा की अरदास कर सिमरन कर ताकि वह तुझे इस माया की हवस में फंसने से बचा ले। इस कुर्बानी से हमें यह शिक्षा मिलती है
कि हमें माया के पीछे नहीं भागना चाहिए और अच्छे कर्म करने के साथ प्रभु का नाम लेना चाहिए। आज के समय में हर कोई ईर्ष्या से भरा हुआ है, यानी लोगों को अपनी खुशियों से ज्यादा दूसरों की खुशी की परवाह है। ऐसे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंग 1091 में इस नकारात्मक भावना को दूर करने के लिए कहते हैं, ईर्ष्या और द्वेष भयानक दर्द लाती है और इसे पूरी दुनिया यानी तीनों लोकों में शापित माना गया है। यदि कोई ईर्ष्या के रोग से मुक्त नहीं हो पाता तो उस व्यक्ति को भयानक दर्द सहना पड़ेगा। ईर्ष्या नकारात्मक भावना के रूप में मन और शरीर को नुकसान पहुंचाती है। ईर्ष्या या द्वेष आपको उदासी और दुख के अलावा कुछ नहीं देता। ईर्ष्या वह रोग है जो आपके शरीर को रोगी बना देगा और आपका दिल नफरत से भर देगा। एक बार आप इस रोग से ग्रस्त हो गए तो आपका मन उदास रहेगा और मन में अशांति बनी रहेगी। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है वह अपनी उन्नति यानी सक्सेस में दर्द और नाराजगी महसूस करता है, यानी वह ईर्ष्या की वजह से अपने सक्सेस का आनंद नहीं ले पाता और हमेशा जलता और कुड़ता रहता है। इस जलन में किसी दूसरे के बुरे होने पर वह खुशी महसूस करता है और भाईचारे को ठेस पहुंचाता है। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति अपनी खुशी का तो आनंद लेता नहीं बल्कि दूसरों के दुख में आनंद महसूस करता है। गुरबाणी हमें यह सिखाती है कि जो कुछ हो रहा है वह परमात्मा के हुक्म से हो रहा है और गुरबाणी की यह शिक्षा ईर्ष्या को दूर करने का एकमात्र रास्ता है, क्योंकि जैसे आप खुशी को परमात्मा का हुक्म मानते हैं, उसी तरह अगर आप दुख को भी परमात्मा का हुक्म मानोगे तो ही आपके लिए सुख और दुख में कोई अंतर नहीं रहेगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंग 308 में कहते हैं, हे भाई, जिसका दिल दूसरों की ईर्ष्या से भर जाता है ऐसे व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी कहता है उस पर कोई ध्यान नहीं देता। वह सिर्फ एक मूर्ख है जो जंगल में अंतहीन रो रहा है। सतनाम श्री वाहे गुरु।